अलीशा का सलाम। अच्छा, डिजिस कोटे के कैंडिडेट्स को एक चीज़ बतानी है कि एक सीपीयू से नॉट ऑब्जेक्शंस फाइल्स, माने जिनके ऑब्जेक्शन हुआ है, शॉर्ट ऑब्जेक्शन हुआ है, जो फाइल्स रिटर्न हुई हैं वो किस वजह से हुई हैं। अच्छा, अब ये वीडियो पूरी देखें और थोड़ी सी बात समझें आप, ताकि आपका इंटरव्यू की डेट जल्द से जल्द आ जाए, ताकि ये लंबा प्रोसीजर नहीं हो, इससे पहले पहले कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे लड़के एक दूसरे के ऊपर नई नई चीज़ें बता रहे हैं। अब देखें, बगैर तस्दीक के आप कैसे बात कर सकते हैं कि अभी ये होगा, अभी वो होगा, अभी इस दिन ये हो जाएगा और अब ये करना है। देखिए, तस्दीक होगी ना, फिर आप बताते हुए भी अच्छे लगते हैं। मैं जब तक तो तस्दीक नहीं कर लेता, मैं वीडियो अपलोड नहीं करता। अच्छा, अब बताने का ये वजह है कि भाई जिन जिन के वालिद साहब के सर्विस कार्ड हैं, वो DSP रैंक से अटेस्टेड करवाएं पहली बात, और इनके जो लीगल हेयर हैं, लीगल हेयर मैंने फैमिली के टोटल CNIC, वो भी अटेस्टेड होने चाहिए। और जो फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन का मतलब क्या है, जो आपने पहली बार आपने डिस्ट्रिक्ट या रेंज के अंदर जो एप्लीकेशन दी थी उसकी फोटोकॉपी है, वो आप अटेस्ट कराएं। कम से कम डिपार्टमेंट ऑफिसर, अदर नहीं, टीचर नहीं, डॉक्टर नहीं, कोई वकील नहीं, डिपार्टमेंट ऑफिसर DSP रैंक का होना चाहिए। उससे आप तस्दीक कराएं और अपने फाइल बना के टोटल डॉक्यूमेंट्स वो आप अपना SSP ऑफिस जमा कराएं, जिन जिनको कॉल आ रही है, और जिन जिनको नहीं आ रही है वो भी एक दफ़ा आप मालूम करके आ जाएं, ताकि ये चीज़ें सब CPO चली जाएं, ताकि वो इंटरव्यू की डेट दे दें। क्यों, शहीद वालों को, कोटे वालों का काम कंप्लीट हो गया, अब आपकी अपनी गलती की वजह से इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं आप जितनी जल्दी कागजात जमा कराएंगे। अब कुछ शिकायतें आ रही हैं कि कुछ कैंडिडेट फ़ोन नहीं उठा रहे। अब फ़ोन नहीं उठाएंगे तो वो आपके कागज़ नहीं देंगे। अगर उन्होंने लेटर बना के भेज दिया कि इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, या वो रबते में नहीं हमसे, कि फ़ोन नहीं उठा रहा, तो उसका फ्यूचर रह जाएगा। आप रिटर्न क्लियर कर लिया, फिजिकल क्लियर कर लिया, तो आप खुद एक लापरवाही की वजह से आप खुद रह जाएंगे। फिर आप बोलेंगे यार ये हो गया, वो हो गया। देखिए, बात समझे, अब आपने गौर कर लिया तो आप अपॉइंट हो जाएंगे। नहीं तो देखें, पॉलिसी अभी ऐसी आई है, आने वाले दौर में कैसी पॉलिसी आ जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। दुआ करें थोड़ी सी, जब इतनी मेहनत कर लिया आपने, रिट सईदाबाद तलब पहुंच गए, कागजात जमा करा दिए, रिटर्न क्वालिफाई कर लिया जो अपना क्लास 4 वालों ने, और ASI वालों ने फिजिकल क्लियर कर लिया, HC ने फिजिकल क्लियर कर लिया, PC, LPC, DPC उन्होंने फिजिकल क्लियर कर लिया, और रिटर्न क्लियर कर लिया उन सारों ने। जब आप पे कितने लड़कों में से आप वही सिलेक्ट हुए हैं और वो लड़के अभी लापरवाही कर रहे हैं, अब ये किसी की गलती नहीं। अभी इसके अंदर मुझे देखें गौर से, अब फर्स्ट एप्लीकेशन है किसी की, किसी के सर्विस कार्ड है, किसी की वेरिफिकेशन ईयरशिप की नहीं हुई हुई, किसी की डोमिसाइल की वेरिफिकेशन नहीं है, किसी का एफिडेविट नहीं है, किसी का भाई सर्विस कार्ड नहीं है, किसी की NIC नहीं है, मतलब टोटल डॉक्यूमेंट्स। अभी ये इतनी सारी मेरे पास लिस्ट आई है, अब देखें गौर से, ये देखें, किसी की NIC नहीं है, किसी के डिपार्टमेंट थ्रू से अटेस्टेड नहीं हुए हुए, किसी के सर्विस कार्ड का मसला है, किसी के एप्लीकेशन का मसला है, किसी का एफिडेविट का मसला है, किसी का एयरशिप का वेरिफिकेशन, किसी का डोमिसाइल का मसला है। भाईजान, आप खुद कराओगे, खुद एक्शन लोगे, अपना काम देखें, आपका अपना जाती काम है, किसी और का काम नहीं है मेरे भाई। तो आप इस चीज़ को गौर करें, जिन जिन का नाम आ रहा है, जिन जिन की कॉल आ रही हैं, वो फिल फॉर जाएं, अपने डिस्ट्रिक्ट से रابطہ करें, अपने रेंज से रابطہ करें, तमाम और जो जो कंसल्ट क्लर्क्स हैं उनसे रابطہ करें, और उनसे वफन वफन आप खुद भी कॉल करके पूछें, भाई हमारा प्रोसीजर कहाँ पहुँचा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, ताकि आपको नॉलेज आती रहे। और जैसे ही मुझे अपडेट आती है नई की, तो इंशाल्लाह मैं भी आपको वक्तन वक्तन बताता रहूँगा। बाकी आप खुद गौर दें, सब भाइयों को नहीं बोल रहा, जो भाई लापरवाही कर रहे हैं, जिनकी उनकी वजह से इन बेचारों का भी रुका हुआ है, काम रुका हुआ है, इनकी भी इंटरव्यू की डेट नहीं आ रही। इसलिए अब ये नहीं हो कि वो आपका नाम
नोट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट के लिए कोई लेटर बना दें और फिर आपको इंटरव्यू की कॉल ना दें। इसलिए मेरा भाई तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर दें, खुद रब्ता करें, खुद जा जाकर जिनको कॉल नहीं आ रही है वो फेस ही रब्ता कर लें, और जिनको आ रही है वो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, और जिन भाई जो भाई फ़ोन नहीं उठा रहे दूसरे भाइयों से जो एसपी ऑफिस में जो फ़ोन कर रहे हैं उनको नहीं उठा रहे और दूसरे कैंडिडेट उसको जानता है तो उससे वो रब्ता कराए, ताकि भाई सबका इंटरव्यू डेट आ जाए, जल्दी हो जाए। किसी के डोमिसाइल की वेरिफिकेशन नहीं है, किसी के पीआरसी की वेरिफिकेशन नहीं, कोई अटेस्टेड नहीं हुआ हुआ, इसकी वजह से तमाम प्रोसीजर रुका हुआ है। आने वाली पॉलिसी क्या हो जाए, जितनी जल्दी हो सके आप अपने जमा कराएं ताकि न्यू डेट आ जाए इंटरव्यू की, और अल्लाह ने चाहता सारे सिलेक्ट होंगे, और मेडिकल जल्द से जल्द हो। शहीद वाले आपसे ज़्यादा फॉरवर्ड है और बहुत जल्दी उन्होंने अपना काम करवाया, क्योंकि उनको इंटरेस्ट था। अब वो बड़ी माजरत की बात है, इंटरेस्ट सबको ही था, आपने बड़ी कुछ लड़कों ने बड़ी जद्दोजहद करी है, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, चंद लड़कों की वजह से सारा के सारे लड़के रुके हैं। इसलिए मेहरबानी करके आप जल्द से जल्द रब्ता करें और अपने डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीट करें। शुक्रिया। सफदर अली शाह चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक करें, शेयर करें और ये वीडियो आगे से आगे पहुँचाएँ, ताकि इस वीडियो को देखने से वो कंसल्ट ऑफिसर से रब्ता कर ले कैंडिडेट्स। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।